अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि YouTube का चैनल मोनेटाइज होने के बाद YouTube आपकी मंथली कितनी सैलरी लगा देता है या फिर आपको कितने व्यूज़ पे YouTube कितने ज़्यादा पैसे देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आज आपके सामने क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाकर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यूट्यूब आपको कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर पे करता है। ठीक है, कुछ बातें मैं उससे पहले अभी क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, कि जो भी मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ना कि कितने व्यूज़ पे मुझे कितने डॉलर्स मिल रहे हैं, तो ये हर वीडियो पे हर टॉपिक पे सेम रेट इनका नहीं होता। यानी कि अगर एक वीडियो पे मुझे कुछ व्यूज़ पे कुछ डॉलर्स मिल रहे हैं तो किसी और टॉपिक में मैं अगर वो वीडियो बनाऊंगा तो उस पर लाजमी नहीं है कि मुझे उतने ही डॉलर मिलेंगे जितने पहली वीडियो पे मिलेंगे। तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। वो कौन सी होती हैं वो अभी भी आपके साथ मैं जाकर मोबाइल की स्क्रीन पर शेयर करूंगा। अभी हम जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यूट्यूब 10 व्यूज़ पे कितने पैसे देता है या 100 व्यूज़ पे या कि 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे आपको देता है। अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो यहां हम YT स्टूडियो की ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहां आपके सामने मैंने अपनी एक वीडियो ओपन की है। ठीक है, इस वीडियो को मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं, इसके एनालिटिक्स को चेक करते हैं और चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ पे YouTube हमें कितने डॉलर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने ओपन कर ली है, इसका हम अभी एनालिटिक्स ओपन कर लेंगे। एनालिटिक्स ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस वीडियो पे हमें 23,254 व्यूज़ मिल चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि 23,000 व्यू मिलने पे हमें कितने डॉलर यूट्यूब ने पे किए हैं। तो अभी हम चेक करते हैं, ये देखें 154 हमें सब्सक्राइबर मिले हैं और इतना रेवेन्यू मिला है। रेवेन्यू कितने, 13.77 इतने डॉलर हमें मिले हैं। कितने व्यूज़ पे, 23,254 पे। ठीक है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, अभी मैंने आपको एक और वीडियो भी दिखानी है। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एवरेज यूट्यूब कितने व्यूज़ पे कितने पैसे देता है। अभी हम चलते हैं कैलकुलेटर में, 23,254 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,254 ठीक है मल्टीप्लाई बाई 13.77 ठीक हो गया। तो ये देख लें 1688 यानी कि लगभग 1700 व्यूज़ पे मुझे एक डॉलर पे किया है यूट्यूब ने। ठीक हो गया, इस वीडियो को हमने चेक किया, तकरीबन 1700 व्यूज़ पे यूट्यूब ने हमें कितने डॉलर दिए, एक डॉलर दिया। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, वो क्या है, वो हम यहाँ बैक जाते हैं, अभी हम ये दूसरी वीडियो चेक करते हैं। ठीक है, इस वीडियो पर देख लें आप 17,000 व्यूज़ हैं। ठीक है, 17,000 व्यूज़ पर हमें कितने डॉलर मिले हैं, एनालिटिक्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 17,661 व्यूज़ हैं। ठीक है, और डॉलर्स कितने हैं ये आपके सामने हैं, 13.43। ठीक है, हम इसको भी तकसीम कर लेते हैं, इसको तकसीम करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इस पे हमें कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये देख लें 1315, पहले हमने चेक किया 1688 व्यूज़ पे एक डॉलर मिला, दूसरी वीडियो पर हमने चेक किया 1315 व्यूज़ पे एक डॉलर मिला। ठीक है, इससे क्या आइडिया हुआ कि अगर एवरेज निकालें तो 1700 भी छोड़ दें आप, 1300 भी छोड़ दें, लगभग 1500 व्यूज़ पे हमें एक डॉलर मिल रहा है। लेकिन अभी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो अप्लाई होती हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये व्यूज़ हमें किधर से मिल रहे हैं, तकरीबन पाकिस्तान से मिल रहे हैं। कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हो सकता है 3000 व्यूज़ तक आपकी वीडियो जाए तो एक डॉलर बने, यानी कि यूट्यूब 3000 व्यूज़ पर एक डॉलर दे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन वगैरह, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स पे आपको हो सकता है 1000 के अंदर भी एक व्यूज़ मिल जाए, लेकिन लगभग एवरेज पाकिस्तान के अंदर आपको 1500 से 2000 व्यूज़ मिनिमम हो तब भी एक डॉलर बनता है। ये मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 1500 से 2000 व्यूज़ के दरमियान आपके व्यूज़ हों, ठीक है, तब आपका एक डॉलर बनता है। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ क्लियर करता जाऊँ, इतने ही व्यूज़ में ये डॉलर आपके डबल भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके 2000 व्यूज़ पे एक डॉलर मिल रहा है, हो सकता है उन ही 1500 से 2000 व्यूज़ पे आपको 3 से 5 डॉलर्स भी मिल जाएं। लेकिन वो कैसे, वो ऐसे मिलेंगे कि आपके व्यूज़ बाहर वाली कंट्री से आ रहे हैं, मसलन UK, USA, कनाडा या यूरोपियन कंट्री से, क्योंकि वो अच्छी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उनके रेट हाई होते हैं। अगर आपको व्यूज़ उन कंट्री से मिल रहे हैं तो आपको 2000 व्यूज़ पे 5 डॉलर भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको व्यूज़ पाकिस्तान से मिल रहे हैं तो 2000 या 1500 व्यूज़ पे आपको एक डॉलर मिलेगा। दूसरी बात रह गई कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि
कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद शायद कोई सैलरी लगा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब मोनेटाइजेशन करने के लिए आपने सबसे पहले यूट्यूब को कुछ दिखाना होता है। जैसे वो मिसाल देते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपने क्या मेहनत करनी होती है, यूट्यूब को 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठा करके दिखाना होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी दिखाना है कि लोग हमारी वीडियो पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन होगी। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपको डॉलर्स की बारिश होना शुरू नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप खुद आइडिया लगा लें, अगर 1500 व्यूज़ पे $1 मिल रहा है तो आपको बार बार अच्छा कंटेंट बना के अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद व्यूज़ की बारिश भी हो जाती है और साथ उनके डॉलर्स की भी बारिश होना शुरू हो जाती है। इसलिए मोनेटाइजेशन के बाद आप मेहनत छोड़ा ना करें, बल्कि पहले से मेहनत डबल किया करें। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।